नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यू सीरीज में आज हम जो टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री पे भी हम जो बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडिया पे मैं बात करने वाला हूँ, एंशिएंट इंडिया नहीं, मैं मॉडर्न इंडिया पे बात करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न इंडिया की, तो बेसिकली मॉडर्न इंडिया की जो अभी सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं एंशिएंट इंडिया ले रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री ले रहा था। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आर्ट एंड कल्चर में मंदिर स्थापत्य कला, मूर्त स्थापत्य कला को देखा था। उसके बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे स्विच किए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये आपका आज जो हम देखने वाले हैं, अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीतियाँ रही हैं भारत में, वो क्या क्या रही हैं, और उन नीतियों के माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था पे और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पे क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। चूंकि यहाँ पे कोशिश यही है कि एमसीक्यूज के माध्यम से मैं आपके सामने टॉपिक वाइज चीज़ों को रखता जाऊँ, जिससे क्या होगी कम से कम टाइम में इजिली आप अपने उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। तो इसी एमसीक्यूज की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से है। ठीक, क्वेश्चन आपका कहता है कि सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है अवध, पेशवा, मैसूर या हैदराबाद। ठीक, अगर मैं बात करूं अवध, पेशवा, मैसूर या हैदराबाद की, देखिए सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि सहायक संधि है क्या। ठीक, देखिए आपको मैं बता दूं कि जब भारत में पहली बात, जब आप देखेंगे तो इससे पहले हमारे यहाँ जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग की कुछ नीतियाँ हैं, और उन्हीं नीतियों का ये एक तरीके से व्यापक स्तर माना जाता है। हालांकि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेंगे कि वो कौन सी नीति है। हालांकि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, ये मैं आपके सहायक संधि की बात करने वाला हूँ। तो सहायक संधि का सीधा सा मतलब है कि मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब था कि उन देशी रियासतों को मित्रतापूर्वक अपने ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड करना, जिसके माध्यम से कंपनी अपने आप अपनी शक्तियों को तो बढ़ा सके, साथ ही साथ में जो उनके विदेशी शत्रु हैं या देसी शत्रु हैं उनसे वो अपनी आप की रक्षा कर सके। अगर मैं इसके कुछ फैक्ट की बात करूं, तो सबसे पहले भारत में, अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में सबसे पहले इसको लाने वाला ड्यूप्ले था। इसके बाद अगर मैं बात करूं सहायक संधि की, तो सहायक संधि को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला, अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं, तो ब्रिटिश में वेले जली था। ठीक, लॉर्ड वेले जली सहायक संधि को भारत में इंट्रोड्यूस करता है। और सहायक संधि में आप देखेंगे कि यहां पे तीन चीजों पे वो ज्यादा फोकस करता है। देखिए सहायक संधि से पहले अगर हम एक बार गौर करें, तो आपको पता होगा कि इससे पहले जो आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी रही है, ब्रिटिश कंपनियों की जो स्थिति रही है, वो भारत में काफ़ी मजबूत हो चुकी है। इसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार औपनिवेशिक नीतियों को बढ़ावा दिया गया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। उसके बाद में जब सुरक्षित घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग लेकर के आता है, तो वॉरेन हेस्टिंग को और ही व्यापक स्तर पर बढ़ाने का जो काम करते हैं वो लॉर्ड वेले जली करते हैं, और उन्हीं व्यापक स्तरों को जो हम जानते हैं सहायक संधि के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं सहायक संधि में, सहायक संधि के अंतर्गत सहायक संधि में कहा गया कि जो देसी राजवाड़े हैं, देसी राजवाड़ों की बाह्य शत्रु से रक्षा करना तथा अंग्रेज इनके आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करेंगे। ये दो चीजें थी। इन दोनों चीजों के बदले में यह कहा गया सहायक संधि में कि जो देसी राजवाड़े हैं, उन देसी राजवाड़ों को अपनी रेजिडेंट में, अपनी सेना में
ब्रिटिश कंपनी की सेना रखनी होगी, यानी राजवाड़ों को अपने आंतरिक में सेना रखनी होगी, किसकी? कंपनी की। और जो कंपनी की सेना होगी, जो इसके खर्चे होंगे, खर्चे देसी राजवाड़ों या देसी राज्यों को वहन करना होगा। ठीक, दो चीजें बताई गई, इन दोनों चीजों के माध्यम से, ठीक है, इन दोनों चीजों के माध्यम के बदले में आपको यह बताया गया कि कंपनी बदले में यह देगी। देखिए, इन दोनों चीजों में मैं बात करूं तो आपको ये और ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वनडे में, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और भारत में किसने किया। और अगर मैं सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की बात करूं तो सबसे पहला राज था हैदराबाद का निजाम, हैदराबादियों ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किया। और कब किया हस्ताक्षर की अगर मैं बात करूं तो 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया। ठीक, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं 1798। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसके बाद में आपके आते हैं पेशवा, ठीक है, सॉरी मैसूर और तजनौर, मैसूर और तजनौर 1799 में आते हैं, इसी के बाद में फिर अवध आते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं अवध को तो ये इंपॉर्टेंट है, 1801 में अवध सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है। अगर मैं अन्य राज्यों की बात करूं तो आपने देखा हैदराबाद, अवध, पेशवा, तंजौर, ठीक, ये जो चार राज्य हैं, ये इन चार राज्यों को सहायक संधि के तहत शामिल किया गया। इसके साथ भी और भी राजवाड़े हैं, जैसे भोसले हैं, सिंधिया हैं, इन लोगों ने भी सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर किए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा नहीं। सहायक संधि को भारत में किसने लागू किया? ड्यूपले, ये आप जानिए। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी लॉर्ड वेले जली, और सबसे पहले किसने शासन साइन किया हैदराबाद? कब? 1798 में। और अवध ने कब किया? 1801 में। सिर्फ इतना आपको जानने की जरूरत है सहायक संधि में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि व्यापगत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है, या डलहौजी द्वारा लाया गया। ठीक, इसके बाद कहता है कि व्यापगत नीति के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में सतारा, जैतापुर, संबलपुर, वाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर हैं, या देसी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की नीति है। ठीक, अगर मैं बात करूं व्यापगत नीति की, तो व्यापगत नीति को भारत में सबसे पहले किसने किया था? डलहौजी ने किया था। ठीक, ला डलहौजी की अगर मैं बात करूं तो 1848 से लेकर के और ये 1856 तक भारत में रहता है। अगर मैं डलहौजी की बात करूं तो डलहौजी भारत में 8 साल के लिए रहता है, और 8 साल में ये 8 राज्यों को व्यापगत नीति के तहत ब्रिटिश शासन में शामिल करता है, ब्रिटिश भारत में शामिल करता है। ठीक, इसके तहत क्या था डलहौजी की व्यापगत नीति? देखिए, अगर मैं बात करूं व्यापगत नीति की, तो व्यापगत नीति में सीधा सा इतना समझिए कि देसी राजवाड़ों को जब डलहौजी भारत में आता है, तो डलहौजी बेसिकली आपको पता होगा कि जब 1948 में आता है तो डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप देखते हैं कि रेल डाक को भारत में प्रचलन किया गया, लॉर्ड डलहौजी ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, तथा इसी के साथ में आप देखेंगे कि तार की व्यवस्था की जाती है, डाक की व्यवस्था की जाती है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चूंकि डलहौजी एक काफ़ी दूरदर्शी और एक विकासवादी गवर्नर था, इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी ये चाहता था कभी भी भारत में लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी वो विकास को लेकर के नहीं थी। लॉर्ड डलहौजी की अगर मैं बात करूं रेलवे को लेकर के, तो रेलवे का विकास सिर्फ इसलिए किया गया था कि अगर दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे भी अंग्रेजों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, और अगर उन इलाकों में किसी भी प्रकार का रिवोल्ट होता है तो समय रहते उनका दमन किया जा सके। हालांकि ये अंग्रेजों की खुद की प्लान था, लेकिन डलहौजी क्या दिखाना चाहता है? डलहौजी यह दिखाना चाहता है कि भारत में किस प्रकार से ये जो देसी राजवाड़े हैं, इनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं। मैं बात करूं तो ये पुरानी रीति रिवाज, परंपरा और रूढ़ियों को यहाँ की जनता के ऊपर थोप रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास बेहतर व सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अब हम आ गए हैं, हम आधुनिक सोच के साथ आए हैं, जैसे कि ब्रिटिश में आप देखते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा होता है। औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन में होती है तो वहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास होता है, चीज़ें और बेहतर होती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब 1813 का एक्ट आता है, यानी
चार्टर एक्ट आता है 1813 का, तो 1813 के चार्टर एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया जाता है, और जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो संपूर्ण मायने में मुक्त व्यापार की नीति लागू की जाती है और प्रत्येक ब्रिटिश वासियों के लिए भारत के द्वार व्यापार के लिए खोल दिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो ऐसा डलहौजी दिखाने की कोशिश करता है कि अब हम आ गए हैं तो हम यहाँ के लोगों को कितने बेहतर तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे, उत्थान करेंगे। आप लोग देखिए कि हमने रेल को इंट्रोड्यूस किया है, तार को किया है, डाक को किया, जबकि हकीकत यह था कि तार और डाक के माध्यम से जो कनेक्टिविटी थी भारत और ब्रिटिश के बीच में वो कैसे भी करके और बेहतर हो सके, डलहौजी के पीछे की ये नीतियाँ थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो रूढ़ियों से बचाने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए डलहौजी नीतियों के तहत जितने भी देसी राजवाड़े थे उन्हें व्यापगत नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करता है, और इसके तहत वो तीन चीज़ों पे फोकस करता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले राज्य वो है जो सर्वोच्च सत्ता है, क्या है, सर्वोच्च, जो सर्वोच्च सत्ता है और ना ही ये किसी के अधीन थे और ना ही कभी इन्होंने टैक्स पे किया है, पहली बात ये। और दूसरी बात, वे जो मराठा या मुगल के अधीन थे लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन है, ब्रिटिश भारत के अधीन है। और तीसरा, जिसे ब्रिटिश ने गठन किया है। इन तीनों क्षेत्रों में वो व्यापगत नीति के तहत शामिल करने की कोशिश करता है, और उसमें शामिल करने वाले में सबसे पहला जो आपका राज्य माना जाता है सहायक संधि के तहत, वो सतारा माना जाता है। सतारा ने जो साइन किया 1948 में किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सतारा, सॉरी 1848 में। ठीक, इसी के साथ में आप देखेंगे तो अन्य हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में सतारा, जैतापुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक, तो ये सारे राज्य हैं जो व्यापगत नीति के तहत हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगर मैं इनके सही ऑप्शन की बात करूं तो डलहौजी इंट्रोड्यूस करता है इन सारे जो राज्य थे देसी राजवाड़े, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। इसी के माध्यम से मैं बात करूं तो ये विदेशी देसी रियासतों को ब्रिटिश भारत के एक तरीके की विलय की नीति थी। अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो आपका राइट ऑप्शन है डी। देखिए, अगर मैं इन नीतियों की बात कर रहा हूं तो इन नीतियों का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे 1857 की क्रांति पर। ठीक, देखिए 1857 की क्रांति तत्कालीन घटना नहीं मानी जाती है। अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालेंगे जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों का मानना है कि एक कारण तो है ही चर्बी लगा हुआ कारतूस, ठीक है, लेकिन सिर्फ एकमात्र कारण नहीं, उसके पीछे के जो दीर्घकालिक कारण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालेंगे तो सबसे पहला जो युद्ध होता है वो होता है प्लासी का। ठीक, प्लासी कब है, 1756 में। ठीक, अगर मैं इसके बात करूं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तो ये आपका माना जाता है 1857 की। अगर इसके बीच का आप डिफरेंस देखते हैं तो अप्रॉक्स 100 साल माना जाता है, और इन 100 सालों के बीच की अगर आप घटना की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि। ठीक, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि की आप अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन। इसके साथ ही अगर आप बात देखेंगे तो इसके साथ ही आप देखेंगे इजारेदारी प्रथा। इसी के साथ में आप देखेंगे रैयतवाड़ी। इसी के साथ में आप देखेंगे महालवाड़ी। ठीक, इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो मुक्त व्यापार, और मुक्त व्यापार के बाद में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ईसाई मिशनरी। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं इन तीनों के माध्यम से एक वर्ग का उद्भव होता है जो कि हमेशा के लिए अंग्रेजों के मुरीद रहे, और वह वर्ग था जमींदार। ठीक, अगर आप इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो ये जितनी भी घटनाएं हैं आप अगर ध्यान दें इन पे तो ये सारी की सारी घटनाएं
इन्हीं 100 साल के बीचों में घटित होती हैं, और इन 100 सालों के बीचों के बाद आप देखते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति आपके सामने निकल कर आती है। ठीक, तो इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना भूल ही गया, इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे तो व्यापगत नीति, व्यापगत, सहायक और सुरक्षित घेरे की नीति, सुरक्षित घेरे की नीति, ठीक, ये सारे वो कारण है ना, मैं इसको इधर ले रहा हूं, ये सारे कारण हैं जो दीर्घकालिक कारण माने जाते हैं 1857 की क्रांति के लिए। जब आप इतिहास के पन्नों पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कोई भी छोटी सी घटना तत्कालिक रूप में इतनी बड़े लेवल पे उभर कर नहीं आती है। तो ये थी सहाय व्यापगत नीति, और व्यापगत नीति के परिणाम क्या रहे वो आपके सामने है, इनका आंसर भी आपके सामने है, इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। व्यापगत नीति डलहौजी लेकर आया कब, 1948 से लेकर 56 के बीच में, 8 साल में डलहौजी 8 राज्यों को भारत में शामिल करता है। सबसे पहला जो राज्य शामिल करने वाला है वो है सतारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सुरक्षित घेरे की नीति पर विचार करें एवं सही कथन का चुनाव करें। ठीक, अगर मैं बात करूं वारेन हेस्टिंग द्वारा लाया जाता है, इसके तहत अपनी सीमा की सुरक्षा है पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा करना, मराठा एवं मैसूर को इस नीति के तहत लाया गया एवं राज्यों को स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया जाता था। देखिए, अगर मैं बात करूं सुरक्षित घेरे की नीति की, तो सुरक्षित घेरे की नीति भारत में जब वारेन हेस्टिंग आता है 1772 में, तो 1772 में आने के बाद वारेन हेस्टिंग बहुत सारी चेंजिंग्स करता है। उन चेंजिंग्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी जमींदारी से संबंधित या जो भी कृषि से संबंधित परिवर्तन थे उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ में अपनी सेना को या अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को बढ़ावा देने के लिए, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए जब भी आता है वारेन हेस्टिंग, तो वो इसके साथ ही में सुरक्षित घेरे की नीति पर काम करता है। ठीक, सुरक्षित घेरे की नीति क्या है ये एक बार देख लीजिए। सुरक्षित घेरे की नीति का साधारण शब्दों में आप इतना समझिए कि आपको अपने खुद के घर की सुरक्षा करना है, इसके लिए जरूरी है कि आपके जो पड़ोसी घर हैं उन पड़ोसियों के घर की सुरक्षा की जाए, कुछ इस तरीके से आप समझिए। सपोज दैट, मान लीजिए ये एक घेरा है, सर्कल है, और इस सर्कल में ये आपका घर है, और आपको अपने घर की सुरक्षा करना है, तो जरूरी है कि जो आपके घर के चारों तरफ राज्य हैं इनकी आप सुरक्षा करें। अगर ये सुरक्षित हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका घर भी सुरक्षित होगा। यही है सुरक्षित घेरे की नीति, मतलब खुद की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसियों की सीमा को या पड़ोसियों को सुरक्षित रखा जाए। तो आपका ऑप्शन ये सही है, वारेन हेस्टिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं बात करूँ सुरक्षित घेरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप देखेंगे कि जब 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है, तो वारेन हेस्टिंग इससे जस्ट पहले आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हो चुका होता है, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत चुके होते हैं, जीतने के बाद में उनकी शक्ति काफ़ी मजबूत हो चुकी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि जब अंग्रेज, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आगरा, पंजाब, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जहां पर अंग्रेजों का ठीक ठाक मात्रा में शासन है, वहीं दक्षिण भारत पे आप जाएंगे तो आप देखते हैं कि मराठा एक बड़ी मात्रा में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा था। ठीक, अगर मैं पूरे भारत की परिदृश्य की बात करूं, तो पूरे भारत में मुगलों के बाद में उस तत्कालिक समय में सबसे बेहतर और शक्तिशाली राज्यों में कोई उभरने वाला था तो वो मराठा थे। सीधा सीधा मराठा और मैसूर से, इनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों को जरूरी था कि वो अपने पड़ोसियों की सुरक्षा करें, जिससे कि क्या हो, अगर वो सुरक्षित हैं तो सीधा सीधा हमला ब्रिटिश के ऊपर नहीं किया जा सकता है। इसमें होता क्या था कि राज्यों को अपने खर्चे पे ब्रिटिश रेजिडेंट रखने होते थे, और इसके बदले में कंपनी उन्हें बाह्य आक्रमण से बचाने की गारंटी देती थी। इसके बदले में ये कहा जाता था कि अगर आप पे कोई बाह्य आक्रमण करता है तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी, एक तरीके से समझ लीजिए गुंडा टैक्स, जैसे कि आपसे हम पैसा लेंगे, बदले में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक, तो कुछ इसी तरीके से ये था। अगर मैं इसके सही ऑप्शन की बात करूँ, तो इसका सही ऑप्शन है
डी। तो आप इन चीजों को देखिएगा कि सुरक्षित घेरे की नीति क्या है, भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया और उसके तहत किस किस को शामिल किया गया। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। दिल्ली है, कानपुर है, जगदीशपुर, इलाहाबाद, मिलान करना है नाना साहब तात्या टोपे, बहादुर शाह और लियाकत अली कुंवर सिंह अमर सिंह। देखिए अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप डिटेल क्लास पढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति में आप सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं तो आप इनके कारणों को देखते हैं और कारणों के बाद में आप इनके प्रभाव को देखते हैं कि इनका प्रभाव कैसा पड़ा और आप देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये संघर्ष जारी रहा और आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद का परिदृश्य कैसा रहा। ठीक, इन सारे चीजों को आप ध्यान देखते हैं लेकिन कभी भी आपसे वनडे के एग्जाम में इन सारे चीजों से प्रश्न नहीं पूछा जाता। अभी तक का इतिहास रहा है कि वनडे के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति का क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र को मिलान करना है कि उसका नेतृत्वकर्ता कौन है और नेतृत्व के साथ में ये मिलान करने को कहा जाता है कि दमनकर्ता कौन है, वह कौन सा अंग्रेजी अधिकारी है जो उस एरिया को दमन करता है। अगर मैं सीधा बात करता हूं तो अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे और जगदीशपुर की मैं बात करूं तो कुंवर सिंह अमर सिंह और इलाहाबाद में लियाकत अली। अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो पहले का दो एक चार और तीन पहला ऑप्शन आपका सही है। सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, हम कुछ और भी फैक्ट्स को देखेंगे, उन फैक्ट्स के आधार पे आपसे बात किया जाएगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप विद्रोही नेता को समझिए। ठीक, विद्रोही कौन था, विद्रोही की डेट क्या रही है, उनको कुछ कुचलने वाला अधिकारी क्या रहा है और समर्पण का दिन कौन सा रहा है। ठीक, हालांकि इससे आपको तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और ये। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो बहादुर शाह जफर और जफर वक्त और उसको दमन करता कौन सा, निकोलसन हडसन था। हालांकि आप देखेंगे ना तो निकोलसन बहुत ही बृहद स्तर पे दमन करता में शामिल होता है। इसके साथ ही मैं अगर मैं बात करूं कानपुर, नाना साहब तात्या टोपे, कॉलिन कैम्बल है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो बेगम हजरत महल, इसके साथ ही में कॉलिन कैम्बल है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो आप देखेंगे कि झांसी में, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। इसको भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने सबसे ज्यादा संघर्ष महारानी लक्ष्मीबाई से किया था और महारानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में इसने बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया है। वो क्या किया है, जब आप डिटेल क्लास देखेंगे वहां आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बात करूं जगदीशपुर की, बिहार से संबंधित है, कुंवर सिंह अमर सिंह इनके नेतृत्व करता थे और इसको विलियम टेलर दमन करता है। इसके साथ में अगर मैं फैजाबाद की बात करूं, मौलवी अहमदुल्ला और जनरल रेनॉल्ड इसके दमन करता है। अगर वही मैं इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद में नेतृत्व करता है लियाकत अली और लियाकत अली के साथ में जो दमन करता है वो कर्नल नील है। हालांकि अगर मैं बरेली की बात करूं तो खान बहादुर और दमन करता बेसेंट आयर है। तो ये सारे चीजें हैं ना जो आप देखते हैं कि कौन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ 1857 की क्रांति, इसके साथ ही देखते हैं उनका नेतृत्वकर्ता कौन है और उनका दमनकारी कौन है। सिर्फ यही के आसपास आपसे कमीशन खेलता है। अगर मैं बात करूं कुछ किताबों की 1857 से रिलेटेड है तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिवेलियन, रेवल ऑफ 1857 एंड 1857। अगर मैं बात करूं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो ये है बीडी सावरकर, मैं एक बार करेक्ट कर दे रहा हूं, बीडी सावरकर। अगर मैं ग्रेट रिवेलियन की बात करूं अशोक मेहता। अगर मैं बात करूं रेवल ऑफ 1857 आरसी मजूमदार और 1857 एसएन सेन ने किया है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो दो एक तीन और चार इसकी भी मैं बात करूं तो आपका पहला ऑप्शन सही है। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1857 के ऊपर लिखी गई कुछ क्रांतिकारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिनके माध्यम से हमें 1857 की क्रांति के बारे में पता चलता है। ठीक, तो ये आपको जानना है, इनके लेखक कौन है ये आपको जानना है और 1857 की क्रांति
का नेतृत्व करता किस एरिया का कौन सा रहा, उसका दमन करता कौन सा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। देखिए हम आपसे एमसीक्यूज में उन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें आप देख सकते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।